सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में इन दिनों कुल्हाड़ी गैंग का खौफ देखने को मिल रहा है। कुल्हाड़ी गैंग के बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सोनीपत पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 5 वारदातों के बाद भी कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। वहीं कुल्हाड़ी गैंग के खौफ में पेट्रोल पंप और कर्मचारी कार्य करने को मजबूर हैं और अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करे। कल सभी पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाली 28 तारीख को वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और आने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी विरोध करेंगे। वहीं कुल्हाड़ी गैंग के अलावा बाइक पर सवार बदमाश सोनीपत में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया के कैमरे से दूरी बना ली है। पूरे मामले में बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि कुल्हाड़ी गैंग के विषय में सोनीपत के SP से लगातार बात हो रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि वो लगातार SP से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 से 4 दिनों में सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि लॉ ऑर्डर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की पंप पे काम कर रहा था, वो कट्टी दे रहे थे नंबर के, दोनों इतने में आ गए, उन्होंने कुड़ारी मार दी, उस भाई ने कट्टा लगा दिया। हाँ, तो क्या प्रयास था उनका मारने का था? अच्छा, तो कुछ कैश छीन के गए हैं आपके पास? आपको भी कहीं चोट मार दी? कुड़ारी मार दिया। दो लड़के आए बाइक पे, ब्लैक कपड़े पे, पल्सर गाड़ी थी, आते ही सेल्समैन का कुल्हाड़ी मारी है, दूसरे ने पिस्तौल लड़ा दी, तो इतने में हम भाग के सारे, अल्लाह करे आप पकड़ो पकड़ो के भाग लिए। तो क्या पहले भी कहीं लूट किए? कई पंपों पे कर चुके हैं, कैश लूट के हैं, लेकिन सब स्टाफ गया हुआ है, सब अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, लड़के काम करने को तैयार नहीं है। पहले भी कोई पंप लूटे उन्होंने? पहले 3-4 पंप सोनीपत में लूट चुके हैं, चोपड़ा पुलिस स्टेशन है, गुलिया जी का है, कई जगह वारदात हो चुकी। तो आपके आपके यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ में एकदम से 5 बजे का करीब टाइम था, दोनों आए हैं, थोड़ी साइड में बाइक करी है, हेलमेट था, मुँह ढका हुआ था, आते ही लड़के को खुला दे दिया, दूसरे ने पिस्तौल लगाया। तो कुछ कैश आपका भी छीना? नहीं, हमारा से कुछ, हम सारे एकदम से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़े नहीं पाए। उन्होंने पिस्तौल ताड़ दी और भाग गए। आपका पूरा परिचय जी? अनिल सर, आवाज यहाँ पे पंप पे क्या मैनेजर हूँ जी। मैं विनोद गुलिया हूँ जी, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट एसोसिएशन का मेंबर हूँ। तो जो ये लूट की घटना है, ये मेरे पेट्रोल पंप पे भी हुई थी 10 तारीख को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सरकार को, हर आदमी डरा हुआ है, हर पेट्रोल पंप का कारिंदा डरा हुआ है, हर मालिक डरा हुआ है। हमारे कारिंदों के घर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया, भाई नौकरी छोड़ दो। अगर सरकार हमें यही माहौल नहीं दे सकती तो फिर हम काम करके क्या फ़ायदा है, हम कोई और काम कर लेते हैं, छोड़ देते हैं पेट्रोल पंप का बिजनेस। तो सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर इस तरह भयमुक्त माहौल अगर हमें नहीं दिया गया तो यहाँ पे हरियाणा में सरकार बड़ी बड़ी मारुति जैसी कंपनी लाने की सोच रही है। तो इतनी बड़ी कंपनी सरकार लाएगी और हमारे जैसे छोटे व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिलती तो बड़े आदमी कैसे काम करेंगे। तो हम सरकार के आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इन बदमाशों को तुरंत पकड़े और हमें इस भय के माहौल से मुक्त। अगर सरकार नहीं सुनती है कल की हड़ताल के बाद भी, तो आगामी तो हम 28 तारीख को फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। 28 तारीख को हम सब पेट्रोल पंप डीलर और हमारे कारिंदे, हम सरकार के जो मारुति का प्लांट का उद्घाटन कर रही है, हम सभी कारिंदे मिलकर इसका विरोध करने के लिए हम काले बिल्ले लगा के DC कैंपस के बाहर जाके बैठेंगे। आज इसी संदर्भ में सोनीपत पेट्रोल पंप एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई गई है। मैं बतौर हरियाणा प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपको ये बता रहा हूँ कि आज की मीटिंग में सभी डीलर्स ने एक मत होकर के फैसला किया है कि कल सुबह 6 बजे से सारे पेट्रोल पंप जो है हड़ताल पर रहेंगे और सरकार की ये जो सोई हुई सरकार है इसकी नींद जगाने के लिए हम
मजबूर हुए हैं कि इस कदम को जनता को, हमें पता है कि जनता को इससे तकलीफ होने वाली है, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे जो कारिंदे हैं, हमारे जो सेल्समैन स्टाफ हैं, वो बड़ी दहशत के माहौल में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने जो है अभी अल्टीमेटम भी दे दिया कि इस तरीके के माहौल में हम यहाँ जान पर खेल के नौकरी नहीं करना चाहते। इसलिए मजबूरन हमें ये कड़ा कदम उठाना पड़ा कि ताकि सोई हुई सरकार और सोया हुआ प्रशासन जाग जाए और हमें सुरक्षा प्रदान करे। हम हड़ताल पे रहेंगे कल सुबह 6 बजे से। कितनी देर की हड़ताल रहेगी? ये जो है अभी 24 घंटे की हड़ताल रहेगी, लेकिन अभी फैसला करेंगे और हम हमारी जो स्टेट बॉडी है उससे भी बात कर रहे हैं। अगर ये समाधान नहीं निकाला गया तो हम इसको पूरे हरियाणा स्तर पे करने का काम करेंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब 28 तारीख को आ रहे हैं सोनीपत के खरखोदा में, और बताया जा रहा है कि ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे व्यापारियों के लिए जो है माहौल है और इन्वेस्टमेंट के लिए जो है प्लांट लगा रहे हैं और रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो किस मुँह से इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट व्यापारी है वह तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भय के माहौल में जो है दुकानें अपनी बंद करने के कगार पे खड़े हैं, तो जिस तरीके से व्यापार करना मुश्किल हो गया हरियाणा में, मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब से, अनिल विज जी गृहमंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि मुद्दे की गंभीरता को समझे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है कल की, ये 5वीं घटना पेट्रोल पम्प की है और एक गैस एजेंसी, इससे 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी घटनाएं हुए हैं, 10-12 दिन के अंदर। और पता चला है कि हमारे दिल्ली के अंदर भी 6-7 पेट्रोल पंपों पे वारदात, एक गैंग 2 लड़के मोटरसाइकिल पे घूम के खुलेआम कुल्हाड़ी लेकर के लगातार ये इस तरीके की वारदात, और कल तो 3 या 4 पंपों पे कल वो घूमे हैं, CCTV कैमरे में सारी चीज़ें आई हैं। पता नहीं प्रशासन कौन सी जांच कर रहा है, किस तरीके की जांच है। इस छोटे से मामले के तुच्छ से अपराधी लगा दिखते हैं, इनको नहीं कर सकती तो ये बड़े मामलों को क्या करेगी। मैं बिल्कुल निराश हूँ, हताश हूँ प्रशासन से और पुलिस से, और पुलिस को चाहिए कि इस मामले को अंतिम पड़ाव तक लेके जाए जल्दी से जल्दी, लोगों का जो है जब नहीं तो ये हौसला टूट रहा है और व्यापार बंद हो जाएंगे हरियाणा में, इसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कटारिया जी, अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो पेट्रोल पंप की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? हमारी तरफ से ये हमारा आज हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि जो भी सेल्समैन इन जो ये लूट करने वाले लड़के हैं इनको सामने आकर के जान पे खेल करके अगर ये कोशिश करेंगे और उनके सामने आएंगे और उनको पकड़ेंगे और बहादुरी दिखाएंगे, तो हम एसोसिएशन भी एक अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए हम उन लड़कों को जो इसमें बहादुरी दिखाएंगे, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। अब हमें इस काम को भी अपने जिम्मे लेना पड़ेगा, जांच भी हमने करनी पड़ेगी, इनाम भी हमने देने पड़ेंगे, सारे काम हम नहीं करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो करोड़ों रुपया पेट्रोल पंपों से हर साल इनकम टैक्स में जो जाता है उसका देने का कोई फायदा नहीं, सरकार हमें इस तरीके की बेसिक सुविधा नहीं दे रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इसके ऊपर मेरे SP साहब से बात हुई है और मैं ये देख जो भी है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आपने इंडस्ट्री चाहिए, काम चाहिए, सबसे पहले लैंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, उसके ऊपर हम कह रहे हैं। अगर ये बात बिल्कुल सही है, लैंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है, उनमें जरूरी है। 5-4 से ज़्यादा वारदात हो गई हैं, एक में भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। कह रहे हैं हम 2-4 दिन में हमें सुराग कर गया, जल्दी से जल्दी हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं।